श्रीनगर में अपनी नवीयत का पहला और एक मुनफरिद वाकया रोनमा हुआ है। श्रीनगर के रिगल चौक इलाके में एक गैर मकामी शहरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे एक पिस्टल भी बरामद किया है। इस हवाले से ट्विटर पर, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, श्रीनगर पुलिस ने पोस्ट किया है जिसमें डिटेल शेयर की गई है। और श्रीनगर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के रिगल चौक इलाके से मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले लोकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक पिस्टल भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस का कहना है कि लोकेश कुमार ने यह पिस्टल एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से चुराया है और इस हवाले से कोठीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। लोकेश कुमार जो इस वक्त श्रीनगर के इलाही बाग इलाके में रिहायश पजीर है, ताहम आज सुबह करीबन 3:30 से 4 बजे के दौरान लोकेश कुमार को ज्वाइंट नाका पार्टी ने चेकिंग के दौरान रिगल चौक इलाके में गिरफ्तार किया और उनसे एक पिस्टल बरामद की गई है। ताहम नाज़रीन, यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं क्योंकि कश्मीर जैसे उस इलाके में जहाँ पर कई सालों से कई सारी ऐसे हलाकतें हुई हैं जो अननोन या फिर टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, अननोन पर्सन या फिर टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। तहम इस मामले पर पुलिस ने कहा है कि जिस गैर मकामी शहरी से ये पिस्टल बरामद हुआ है, उन्होंने ये पिस्टल चोरी किया था एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से। इस हवाले से मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है और क्या कुछ अपडेट होगा इस पर आपको अपडेट करेंगे। श्रीनगर से कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए मैं इमरान नाइकी।